हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये स्किल एनहांसमेंट का एक आपका सब्जेक्ट है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, और आपका बीकॉम बीए ऑनर्स इंग्लिश में भी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन स्टडीज़। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीए प्रोग्राम वालों के लिए और बीए ऑनर्स इंग्लिश वालों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ज़रा देख लेते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन आएगा, एक इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूं, ये पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, नो टू वर्बल सिस्टम आर टोटली सिमिलर। मतलब कुल मिला के एक स्टेटमेंट आपको तैयार करनी है इसमें। फिर आपका दूसरा, ये पूरा जो पेपर है वो ट्रांसलेशन के ऊपर है कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का पूरा पेपर है। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द ट्रांसलेटर फील्ड मीडिया कम्युनिकेशन। क्या क्या, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रांसलेटर होता है मीडिया कम्युनिकेशन में, उसको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज वेराइटीज ट्रांसलेशन, कितनी तरह की वेराइटीज़ होती है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री। फिर आपका ये जो पैसेजेस को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, तो एक ऐसा पैराग्राफ आएगा फिर उसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करना है क्योंकि इसका नाम ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उसके बाद जो पाँचवा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन क्वालिटीज, मतलब कि ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर छठे पे आपसे पूछा जाएगा, मतलब हिंदी ईडियम्स मुहावरे इनको इंग्लिश में बनाना, तिल का ताड़ बनाना, दूध का जला छाछ भी ना फूके, मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद ये जो हिंदी है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछे गए, इस टाइप का आपका पूरा इसका पेपर रहता है इंग्लिश ट्रांसलेशन का, बीए इंग्लिश ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर और बीए प्रोग्राम। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते।